कर साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई साथियों, आप साथ लग जो है कुछ और ताज़ा जानकारी लेके आए यहाँ, क्योंकि हरियाणा सरकार ने जो है 500 रुपये में गैस सिलेंडर की जो है घोषणा करी है, जिसके जो है फार्म लाखों की संख्या में जो है परिवारों ने भर लिया है। लेकिन अभी जो है बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसको प्रॉब्लम आ रही है कि फार्म तो भर दिया, लेकिन हरियाणा सरकार ने जो वादा करा था कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, हमारी सब्सिडी जो है 500 के हिसाब से हमारे अकाउंट में नहीं आई। तो पैसे जो है किस प्रकार से आवेंगे, जिसके नहीं आए हैं वो शिकायत किस प्रकार से कर सका है सिलेंडर भरवाने के बाद में, लिंक कहाँ पे मिलेगा। और बहुत सारे साथी ये भी पूछ रहे थे कि सर, मैंने जो है फार्म भर दिया लेकिन मेरा फार्म का जो है प्रिंट नहीं निकला, मैं जो वह भूल गया प्रिंट वगैरह लेना, तो दोबारा किस प्रकार से लेवा। तो इन सभी बातों के जो भाई इस वीडियो के अंदर जो बतावांगे आप साथियों ने दिखाई दें सारे इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से साथियों, आपको जो वह गूगल के अंदर आना है। गूगल के अंदर आने के बाद में आपको यहाँ पे लिख देना भाई eps.haryanafood.gov.in। इस प्रकार से लिखोगे तो आपके सामने जो है पहली साइट इस प्रकार से आ जाएगी। आपको जो भी इसके ऊपर क्लिक करना है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने प्रॉपर जो है इसकी साइट है वो ओपन होने का काम हो जाएगा। आपके सामने इस प्रकार से जो भी ऑप्शन आएंगे, सबसे पहले ही आप साथियों को दिख जाएगा हर घर हर गृहिणी योजना, जिसके तहत हरियाणा सरकार ने कह रखा कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर देवांगे। सबसे पहले तो आप साथियों ने देखा होगा कि आपने जो फार्म भरा था वो यहाँ पे भरने का काम किया गया था। अगर किसी परिवार ने अभी भी फार्म नहीं भरा तो आप साथी यहाँ से अपना जो भी रजिस्ट्रेशन कर सको हो, फार्म ओपन है। अब आप साथियों को बता दें भाई, कई साथी पूछ रहे थे कि प्रिंट नहीं निकाल पाया और कई साथी कह रहे कि सब्सिडी नहीं आई, तो उन साथियों को जो भी इस ऑप्शन को चूज करना है, यहाँ पे आप साथी क्लिक करोगे तो आपसे उसी प्रकार से आपकी जो है फैमिली आईडी मांगेगा। यहाँ पे यस कर देना, अपनी फैमिली आईडी डाल देना, कैप्चर डाल देना और आपके फ़ोन के ऊपर जो है ओटीपी जाने का काम होगा। जैसे आपके फ़ोन के ऊपर ओटीपी जाओगा आपके सामने इस प्रकार से जो है ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब जैसे हमने जो है फार्म को ओपन किया है तो इस प्रकार से जो है पूरी पूरी डिटेल आ जाएगी। इसके अंदर एक और चीज़ साथी पूछ रहे थे कि सर, मेरे पापा के नाम जो है ये जो कॉपी बनी हुई है गैस सिलेंडर की, तो क्या हमें भी जो इसका लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल, आपका परिवार का कोई भी सदस्य हो वो फार्म भर सका है, लेकिन जो सब्सिडी आओगी वो आप महिला का अकाउंट के अंदर जाओगी भाई। आपको इस प्रकार से जो है दिखाई देगा कि ये महिला है भाई, जो फैमिली के अंदर बिग होगी, जो परिवार पहचान पत्र में जो बढ़िया होगा उसी का खाता में वो पैसा जाओगा जो महिला होगी। ठीक है, महिलाओं के लिए योजना चलाई है। यहाँ पे आप साथी देख पाओगे कि आपने जो फार्म भरा था वो बिल्कुल ओके है। उससे आगे आए एक चीज़ और बताया भाई, इसके अंदर कुछ चेंजेस के लिए पूछ रहे थे साथी, तो आप चेंजेस नहीं कर पाओगे भाई एक बार सबमिट होने के बाद में। अब आप साथी पूछ रहे थे कि सर प्रिंट कैसे निकाला, तो ये देख लीजिए भाई, यहाँ पे आप साथी देख पाओगे कि आपका जो प्रिंट है यहाँ से निकालने का काम कर सको। यहाँ पे पूरा पूरा पेज आपको मिल जाएगा, जो स्टेटस है वहाँ पे आप साथी अपना देख सको। अब बताया जाए सब्सिडी नहीं आई, अगर आपकी सब्सिडी नहीं आई है तो आपको ये वाला ऑप्शन दे रखा भाई, इसके अंदर आपको जो है अपना ऐड एलपीजी यानी कि जो परचेज कराया हो डाल सको हो, पर कितने भी आप जैसे परचेज करो हो तो ये यहाँ पे डाल दिया करो। ऐड परचेज के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आओगे इस प्रकार से। इसके अंदर पूछेगा कि आपने जो है परचेज कब कराया, वो डेट आपने मेंशन कर देनी है। आपको यहाँ पे जो भाई कुछ भी अपना रिमार्क्स दे सको हो, अगर आपका जो भाई गैस सिलेंडर का पैसा नहीं आया है या कोई और रीज़न था, कोई कुछ भी था, तो वो जो भाई रीज़न यहाँ पे रिमार्क्स भी आप दे सको और सबमिट कर सको हो। जैसे आप जो भाई इसको सबमिट कर देते हो और अगर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर अभी तक नहीं आया है, वह 500 रुपये में जो है गैस सिलेंडर भरा जाओ है हरियाणा सरकार के द्वारा, तो इसके अंदर आप साथियों को क्या करना है, जैसे आपने डाला तो यहाँ पर जो भाई नीचे शो कर देगा आपने जो भी डिटेल डाली थी। यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है ग्रेवेंस का, यहाँ पे आप साथी जो है अपनी शिकायत दर्ज करवा सको हो कि मेरी सब्सिडी नहीं आई है या और कोई रीज़न है। जैसे आप जो है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से डिटेल आ जाएगी।
यहाँ पे लिखा हुआ भाई एलपीजी सब्सिडी डिटेल है, अपडेशन इशू है, एलपीजी सब्सिडी रजिस्ट्रेशन इशू है, ये एलपीजी सब्सिडी आपको रिसीव्ड नहीं हुई है, या फैमिली मेंबर का जो राशन कार्ड हो नहीं है, या फिर भाई कुछ राशन कार्ड का इशू है। तो इस प्रकार से जो तीन ऑप्शन आपके ऊपर ले दे रखे भाई, आप इनमें से चूज करने का काम कर सको। अगर आपकी सब्सिडी अभी तक नहीं आई है तो आप यहाँ पे जो है शिकायत दर्ज करने का काम कर सकते हो, जिससे आप साथियों जो सब्सिडी वो आपके अकाउंट के अंदर भेज दी जाओगे। तो इस प्रकार से आप साथियों को जो है अपनी जो सब्सिडी मिल जाएगी अगर अभी तक नहीं आई है। बाकी आपको जो है लगभग एक हफ्ता जो वेट करना है, एक हफ्ता जो है लगभग इसके अंदर लग जाता है सब्सिडी आने में। एक हफ्ते के बाद भी अगर नहीं आती है फिर आप साथी अपनी गवाही से डाल सको। तो यो प्रोसेस था साथियों, क्योंकि कई साथी पूछ रहे थे तो आप सब यही ताज़ा जानकारी लेके आए थे। आप सब वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।